हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है ना साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, सब के सब साजिशों का हिस्सा है, मगर हम अपने घर का इसे रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सूर्यकांत कुमार। विश्व की सबसे बड़ी राजभाषा हिंदी में आप सभी का आदर, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से मेरे विचारों को सुन रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा देश भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी आज हमारे देश का 75 साल कंप्लीट हो गए हैं और हम 75वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। कहा जाता है कि गीता से ज्ञान मिल गया रामायण से राम, गीता से ज्ञान मिल गया रामायण से राम, भाग्य से हिंदू धर्म मिल गया और किस्मत से हिंदुस्तान, किस्मत से हिंदुस्तान। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी का लौ 1857 ईस्वी में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में चलकर हमारे देश को आजाद कर दिया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले की टोले को बढ़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब भी वे अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी जनाब, ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। आज हमारा देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि आज के समय में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो आज के समय की सबसे बड़ी देशभक्ति यही होगी। मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को तीन रंग में रंगना ही देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में दो बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे नंगे पांव में जो तिरंगा बेच रहा है, क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है जनाब, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने को मजबूर करती है। क्योंकि न वो मस्जिदों को जानते हैं, न वो शिवालों को जानते हैं, न वो मस्जिदों को जानते हैं और न ही शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे है ना, वो सिर्फ भोजन के निवाला को जानते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों से घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहे हैं। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह है कि इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सड़क पर दिन रात हमारे रक्षा करने वाले नौजवानों को, पुलिस प्रशासन को और किसान को, देश के उन व्यक्ति को भी जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा।
होगा, सबके दिलों में हौसला बुलंद, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां हिंदुस्तान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशन हमारा, ये गुलशन हमारा। तो मेरी ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद, वंदे मातरम।